इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिश क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बं बं हं सं तं बं 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 मं मं हं मं सं सं तं तं जं जं जीं जीं श्वीं श्वीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नवरति भगवती श्रीमती। ओं ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पचे पचे। ओं नमोऽर्हं जं जीं श्वीं हं सं जं बं हयसा छां छीं छुं छै छै छौ छुं छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्री ह्री ह्रौ रुं द्रं द्रीं द्रवे द्रवे नवरति भगवती श्रीमती। ठाठ स्मक शांति धारा कर्ता परिवारस्य समस्त अल्पाहार समिति संयोजक यहाँ पर आए हुए हैं। संजय जी पायल, अरविंद जी पथरिया, अजय जी सेवन, संदीप जी सोना कलेक्शन, सुनील जी लोहारी, सौरभ जी छतपुरिया, शीलचंद जी हटा, अभय जी कैटर्स, कपिल जी कैटर्स, समस्त टीम, आप पूज गुरुदेव नरियापक समण मणिपुंगो श्री स्वतः संघ महाराज जी के ससंग सानिध्य में अल्पाहार की व्यवस्था देख रहे हैं। सापरिवार समंगल भवतु। सुरेंद्र जी, चंदा जी, अनवी जी, सृष्टि जी, समस्त ईश्वरवारा वाला परिवार, सापरिवार सुखमाल जी, मनीषा जी, ऋतिक जी, शालिनी जी, संचित जी, हिताश जी, प्रीति जी, महक जी, ईश्वरवारा वाला परिवार, आनंदी लाल जी, सुशीला जी, अभिषेक जी, आशीष जी, अंशु जी, अर्पित जी, नेहा जी, मोनिका जी, प्रियंका जी, रिजू जी, एंसी, अरम जी, आदि श्री जी, कियारा जी, अनया जी, समस्त ईश्वरवारा वाला परिवार, सापरिवार कन्हैया लाल जी, सरखड़ी जयसीनगर सापरिवार, संजय जी जैन सरखड़ी जयसीनगर सापरिवार, प्रकाश चंद जी सड़की सरखड़ी जयसीनगर सापरिवार, सतीन जी, अरहन जी, अरहंत जी, गर्भिका जी, राजेन जी, स्वास्थावर्धम, कमल कुमार जी, राहुल जी, सीता जी, मधु जी, आस्था जी, मड़ावरा वाला परिवार सापरिवार, संदीप जी, रजत जी, अंश जी, डटेरी सापरिवार, मुकेश जी, हर जी, सुजीता जी, आस्तिक जी, सागर सापरिवार, सुमत जी, अंजू जी, तेजस जी, पूर्ति जी, प्रतीक जी, नरियावली सापरिवार, स्नेहलता जी, साधना जी, सागर सापरिवार, जयश्री जी हटा, स्वस्थावर्तम, समस्त भवजीवनम, व्याधिम घनंतो, व्याधिम घनंतो, व्याधिम घनंतो, संपूजिकानं प्रतिपालिकानं यतीन्द्रसामन तपोधनानं देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा कैरोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। पूज गुरुदेव नरियापक सुमण मणिपुंगो श्री सुदा सागर जी महाराज के सानिध्य में जो इतिहास से वे सागर में चल रहा है उसकी अल्पाहार समिति संयोजक यहाँ पर आए हुए हैं। शांतिनाथ भवन का आभार जताने भगवान, ऐतिहासिक चतुर्मास संपन्न हुआ, ऐतिहासिक शिविर संपन्न हुआ, इन्हीं भावनाओं के साथ आपके लिए आभार व्यक्त करते हैं। ओम नी परम अति सहकारी देवादिदेव शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम नर्वपामिति स्वाहा। उत्पादे पंकजी रजो मिति देते देह हत्या भवति मकर कुजतुल रूपा। प्राणी मात्र निरोगी रहे भगवान, यही हमारी भावना है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम ह्रीम दायता सकल लोग क्रोम माँ भी जग चेतरे अनर्घपद प्राप्त है सुधा संगे जी महाराज कहते हैं अंग्रेजों की बहुत बड़ी दुर्नीति थी हमारे भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की, इसलिए वो आज एजुकेशन में बच्चे और बच्चियां एक साथ पढ़ती हैं, उसके कारण हमारी भारतीय संस्कृति नष्ट हो रही है। सब जाति के बच्चे आते हैं तो उनके जो टीचर हैं वे अंडे आदि को लाने से रोकते नहीं है, टिफिन शेयर करवाते हैं। उनका मेन मकसद है हमारी भारतीय संस्कृति कैसे नष्ट हो, उसके लिए पूज्य गुरुदेव जगह जगह स्कूल खुलवा रहे हैं। हमारा तो सभी से कहना है अगर अपने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो कम से कम जहाँ पर शाकाहार को प्रमुखता दी जाती है उन्हीं स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। सबसे अच्छा तो ये है जैन स्कूल में पढ़ाएं जहाँ जैन स्कूल नहीं है, लेकिन उनको ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जहाँ अंडे को शाकाहार नहीं कहा जाता, जहाँ मांस को शाकाहार नहीं किया कहा जाता है, जहाँ कम से कम हमारा धर्म तो सुरक्षित रहेगा। बहुत सारे बच्चे पूज्य गुरुदेव के पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमने दोस्ती में सब कुछ करना पड़ता है। मित्रों पूज्य गुरुदेव कहते हैं दोस्ती में सब कुछ नहीं करना पड़ता, जैन तो वो है दोस्ती में जैनी जान भी दे देगा, लेकिन जैन की थाली अलग होगी, जैन का शाकाहारी भोजन होगा, जैन कभी स्मोकिंग नहीं करेगा, जैन कभी ड्रिंक नहीं करेगा, जैन कभी मांसाहार नहीं करेगा, लेकिन दोस्ती हमारी पक्की रहेगी। वो कैसी दोस्ती कि वो अपना मांसाहार परोस दें, वो कैसी दोस्ती जो हमारे लिए शराबी बना दें, वो कैसी दोस्ती जो हमारे लिए स्मोकर बना दें। मित्रों पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने प्रवचनों में दोस्ती में अपनी जान भी दे दो, लेकिन हमारी जब धर्म की बात आएगी तो
जैन की थाली शाकाहारी होगी, जैन का पहनावा शाकाहारी होगा। हमारी भारतीय संस्कृति के लिए जैन को देखकर ऐसा अनुभव होगा कि भारतीय संस्कृति को ले जाने वाले सबसे आगे जैन ही हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जब द्रव को उठा के इस थाली में से उठा के इस थाली में कर देती हैं तो क्या आनंद आता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जब एक थाली का भोजन इस पेट रूपी थाली में करने में जो आनंद आता है वही आनंद एक द्रव की थाली से दूसरी द्रव की थाली में करने आता है। पुण्य का नाम लेते ही पाप को पसीना आ जाता है। जिस प्रकार हम गुलाब जामुन का नाम लेते हैं रस तुम्हों में पानी आ जाता है, उसी प्रकार जब हम पूर्ण रूपी पंच परमेष्ठी का नाम लेते हैं तो ऐसे ही पाप को भी पसीना आ जाता है। मित्रों हमारे पूज्य गुरुदेव चाहे आचार्य श्री हो, चाहे पूज्य गुरुदेव सुदासागर जी महाराज हो, चाहे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हो, देखो हर चीज जिन संस्कृति के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर सब कुछ कर रहे हैं इसके लिए कि हमारी जो जिन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, इसमें ये सुरक्षित रहे और इस पे कोई आंच ना आए। मित्रों रावण के लिए हर साल जलाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा करके जला रहे हैं, लेकिन जला कौन रहे हैं? जो खुद महारावण हैं, इसके अंदर महारावण के संस्कार हैं, जो ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वे किसको जला रहे हैं? रावण को। रावण देखो प्रकांड विद्वान हुए हैं, उन्होंने सिर्फ एक पर बुरी दृष्टि रखी थी, लेकिन आप देखो जो रावण को जला रहे हैं ना जाने कितनों के प्रति बुरी दृष्टि रखते हैं। वो मांसाहारी हैं, शराब के भी पी रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं और वो जाके जो खुद एक महारावण है वो रावण को जला रहे हैं। तो रावण की आत्मा कह रही है हमें जलने में कोई बाधा नहीं है, हमें हर साल जलाओ, लेकिन वो ही जलाए जो अपने आप में राम हो, जो राम जैसा हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, कैसे पलेंगे? हम उनसे बोलना चाहते हैं। एक हमारे सुकुमाल मुनि हुए हैं, वे राजकुमार थे। राजकुमार जब अवस्था में थे तो उनको राई के भी दाने चुभते थे, लेकिन जब उन्होंने मुनि धर्म को धारण किया, जब मोक्ष मार्ग में आए तो उनको स्यालनी भी खा रही है, एक एक शरीर का अंग लोच रही है, लेकिन उसमें भी वो आनंद मना रहे हैं। मित्रों जब मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं, मोक्ष मार्ग में आनंद आने लगता है, कष्ट कष्ट ना रह के ऐसा लगता है कष्ट आते रहे, उपसर्ग आते रहे और उपसर्ग को सहते रहे, ऐसा हमने हमारे पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुना है। उनके वो कहते हैं उपसर्गों में भी आनंद आता है। वह मुनि महाराज समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में सुख में भी समता का पान करते हैं, दुख में भी समता का पान करते हैं, ऐसे हमारे पूज्य मुनिराज होते हैं। देखो हमारा जैन धर्म पहले ही हजारों साल पहले जो देकर गया था वही सिद्धांत आज हमारे धीरे धीरे काम आ रहे हैं। आज हमारा विज्ञान आज नहीं तो कल जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उसको अपनाएगा। एक व्यक्ति घर पर खिचड़ी खा के बोर हो गया, उसने सोचा ससुराल चलते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन वहां पर खाएंगे। जैसे ही वो ससुराल पहुंचा तो ससुराल में देखा पूरे के पूरे ससुराल वाले बीमार थे, वे भी खिचड़ी खा खा के अपने दिन बता रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा देखो खिचड़ी के से बोर होकर हम यहाँ आए थे और यहाँ भी हमें खिचड़ी मिल रही है। मित्रों आज भी यही हो रहा है, हम दूसरी जगह सुख देख रहे हैं, परमे सुख देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह सुख नहीं है। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते, पर वे भी छोड़ चले जाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।